मेरा नाम कंचन झा पोद्दार है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, वैशाली ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा दरभंगा में हुई है, पर मेरा नेटिव प्लेस जो है हाजीपुर वैशाली ज़िले में आता है, बिहार के इसमें, वहाँ की रहने वाली हूँ। हमारा भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से थिएटर ही रहा है भविष्य में, मैं कालांतर में। अभी मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और आपके सामने बैठी। एक फिल्म आप निर्माण कर रही हैं भोजपुरी, उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म तो जब पर्दे पे आएगी तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी ही, पर हमने एक पूरी कोशिश ये की है कि इन दिनों मैं एक्चुअली ज़्यादा भोजपुरी पिक्चर देखती नहीं हूँ, पर जितनी भी देखी और जिनके जितने भी दृश्य देखे हैं उसमें मुझे बहुत सारी फुहरता और वल्गरिटी देखने को मिलती है। इससे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो भी डायरेक्टर होंगे या प्रोड्यूसर होंगे शायद हमारे मिट्टी बिहार या यूपी की मिट्टी से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि हमारी मिट्टी की जो खुशबू है मुझे कहीं बहुत रेयर पिक्चरों में, बहुत इक्के दुक्के पिक्चरों में देखने को मिलती है। तो हमने हम चूँकि हमारे ऑलमाइटी पिक्चर्स की पहली पिक्चर है, तो हमने ये पूरी कोशिश की है कि उसमें एक वल्गरिटी, एक फुहरता ना हो और पूरे परिवार के साथ लोग बैठ के देख सकें, क्योंकि अभी की जो पिक्चर है उसमें पूरे परिवार साथ बैठ के देखने के लिए कहीं ना कहीं नज़र झुकती है। हाँ, नो डाउट कि कमर्शियल पिक्चर बनानी है, पिक्चर बेचनी है, तो थोड़ी बहुत तो मसाले डालनी पड़ेगी, लेकिन हमने उन सबको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बैलेंस रखने की कोशिश की है कि परिवार के साथ भी देखा जा सके उस पिक्चर। जो फिल्म आपकी आ रही है इसमें क्या खासियत है, बाकी फिल्मों से क्या अलग होगी ये फिल्म? देखिए, पिक्चर हमेशा समाज को देख के ही बनी है, आज तक समाज में जो हो रहा है, जो अभी चल रहा है, उसी को देख के पिक्चर बनाई जाती है। हमेशा लोग बोलते हैं पिक्चर देख के लोग बिगड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम समाज में जो देखते हैं वही पिक्चर बनाते हैं, वही दर्शाते भी हैं। तो हम समाज से अलग नहीं है, समाज से जुड़ी हुई कहानी ही है, पारिवारिक कहानी है, पर उसमें हम बैलेंस करने की कोशिश की कि परिवार में एक्चुअल में क्या होता है, जो मसाला उसको अलग ढंग से परोसने की कोशिश नहीं किया गया है, उसको जो सही मायने में होता है और जो महसूस होता है, जो हमें ऐसा देख के लगेगा कि हमारे घर की कहानी है। स्टार कास्ट में मिस्टर अरविंद पोद्दार हैं, रूपा सिंह हैं, प्रतिभा पांडे हैं, कुणाल सिंह जी हैं और लोग भी हैं। फिल्म की शूटिंग और कहाँ कहाँ की जाएगी? अभी तो मुंबई शूट हो रहा है, और कहाँ कहाँ की प्लानिंग है? अभी तत्काल तो मुंबई की प्लानिंग है, हम लोग देख रहे हैं लोकेशन के हिसाब से, जो हमारे कहानी की डिमांड है उस हिसाब से जो लोकेशन शूट होगा हम उसके लिए तैयारी में है, लेकिन अभी वो बाद में डिस्क्लोज किया जाए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारे स्टार हैं, स्टार सुपर स्टार्स हैं, उनको लेकर फिल्म क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि मार्केट में उनका वैल्यू ज़्यादा है, आप एक नए हीरो को लेकर फिल्म कर रही हैं। कैसा है मैडम कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हीरो हैं उनको तो सब जानते हैं, फिर अगर हम यही कंसेप्ट रखेंगे, ये विचारधारा रखेंगे कि इस्टेब्लिश कलाकार को ही लेंगे, तो नए जो उभरते हुए कलाकार उनको मौका कौन देगा? नए लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए, तो बस इसी समझ सोचते हुए कि चलिए नए लोगों को ही मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कलाकारिता जो है वो नए लोगों की उभरनी चाहिए, तो इसी मद्देनज़र हमने नए लोगों की। क्या सोच है आपकी फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी को लेकर? मेरी सोच बहुत उत्तम, बहुत अच्छी है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उस मिट्टी से हूँ जहाँ से भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बहुत ही मधुर भाषा है, और मैं चाहती हूँ कि लोग आमतौर पर हमारे यहाँ के लोग अपनी भाषा बोलने में सकुचाते हैं, संकोच करते हैं, मैं उन सभी भोजपुरी वासी भोजपुरी भाषियों से ये आग्रह करना चाहूँगी, विशेष रूप से हमारे बिहार यूपी के लोग, कि अपनी भाषा का अभिमान हमेशा रखिए, अपनी भाषा का हमेशा सदुपयोग कीजिए। इवन मैं अपने घर में भी हम लोग मैथिली भाषा में बात करते हैं, भोजपुरी भाषा में बात करते हैं, बाहर चाहे हमारी भाषा कोई भी हो, लेकिन घर में हम लोग हिंदी मैथिली भोजपुरी ही बात करते हैं, और हमें अपनी भाषा का अभिमान होना चाहिए। नहीं, इस चीज़ का मैंने पूरा ध्यान रखा है कि मैंने पहले भी जैसे बोला कि मसाले तो होंगे, थोड़े बहुत तो कमर्शियल बनाना पड़ेगा क्योंकि हर कैटेगरी के लोग देखते हैं, पर हमने इस बात का पूरा ध्यान रखे कि पूरी फैमिली के साथ, पूरी परिवार के साथ देख सके पिक्चर को, कहीं भी नज़र झुकाने जैसी जरूरत ना पड़े, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है। फिल्म में प्रतिभा जी और रूपा जी की हीरो ही नहीं सके, अरविंद जी फिल्म के हीरो हैं, तीनों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फिल्म की स्टोरी कुछ इस ढंग की है कि वो एक ब्रह्मचारी है, वो काफ़ी मतलब शादी ब्याह बिलीव नहीं करते हैं, उनका दो दो क्रश है उनके प्रति, कोई लड़कियां हैं जो एक मॉड की है, एक गांव की है, तो दोनों अपनी अपनी तरफ से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं, इस तरह की कहानी। आप क्या सजेस्ट करेंगी, गांव वाली से या शहर वाली से? नहीं, वो तो बोलते हैं